अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का ना सबसे बेहतरीन बात ये कि उठ रही बहुत तेज़ बारिश होने लगी है और ये हमारा अपना शौक में काफ़ी टाइम देखे हमारी कब बारिश देखे और मैं बड़ा इंजॉय कर रहा यार। और कल बातें तो बहुत सारी है और बहुत सारी चीज़ें बतानी है लेकिन मसला ये है टाइम का मसला है। तो आप हमारे साथ हैं और मिलते हैं। गलियात की तरफ जाने का नथिया गली और आगे मशकूरी टॉप पे जाना है वो हाइकिंग का फासला है। तो कल रात को बारिश हुई है और बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो गया है, धुंध भी पड़ी है और बिल्कुल अभी जरा दिखाते हैं। ये अली जरा दिखाई है लोगों को बाइक की तरफ जगह दिखा देते हैं। मोबाइल में तो इतना खास नजर नहीं आता लेकिन बिल्कुल जनाब। तो अब हम पहुंच गए तकरीबन मरी से एक घंटे के फासले पर, डेढ़ घंटे के फासले पर मशपूरी टॉप। मशपूरी टॉप पे तो अभी जाना है तकरीबन, अभी हम पहुंच ट्रैक पे आए हैं, ट्रैक पे पहुंच गए और इधर से हमने हाइकिंग पे जाना है तकरीबन डेढ़ दो घंटे का सफर है। दो तो ऊपर मिलते हैं इंशाल्लाह, जरा इंशाल्लाह स्टे विद अस। ये अभी से थक गए, ये तो स्टार्ट भी नहीं हुए यार, अभी से थक गया। अभी तकरीबन हमने कोई 100 मीटर फासला कर दिया। अच्छा, और बस हो गई, बस हो गई, अभी 2.5 किलोमीटर और भी है ना। चले चलते आगे, देखते क्या होता है। हाँ जी, हूँ दस 300-400 मीटर फासला भी नहीं किया, बहुत तक है। शौक पूरा हो गया कि नहीं? अभी बाकी है, यही बाकी है 2 किलोमीटर अभी। वो बंदा के भागता वो जा रहा है, इसका मुझे लग रहा है कि यार कि 200-300 किलोमीटर किलोमीटर अबे मीटर और चल पाएगा। कितना रेट हो गया आपका, मतलब इसका इसका कितना कह रहे हैं? कितना कह रहे हैं? हाँ ये कितना कह रहे हैं? एक साइड का 1000 कह रहा है। ऊपर जाके कितना लेंगे फिर? 3000। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भाई है ही 1000 और क्या लेंगे भाई? अच्छा आप बताए भाई, 3000 लेंगे। आपने आपने घोड़ा क्यों कर लिया भाई? मुझे घोड़ी चढ़ने का शौक। ये जबरदस्त बात, चलो फिर मिलते हैं ऊपर इंशाल्लाह। दोनों भाई पीछे रह गए यार और ये हम बहुत आगे निकले उनसे। घोड़ा बुक करना है मेरे ख्याल से। हाँ भी इनका इनकी बस हो गई है और हमारी भी बस हो गई है। जाना पड़ेगा कुछ कुछ पानी के लिए, कुछ खोना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत कुछ। चलो आगे जाते, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा भाई तो कैसा लगा यार? मजा भी आ रहा है और पछता भी रहे हैं, समझ नहीं आ रही हमें। अच्छा एक बात, यहाँ के लोग ना हमें रास्ता से नहीं बताते, हर कोई कहता है कि आपको ना
पांच मिनट रहते हैं, आधा घंटा रहता है, हाफ रहता है, या समझ नहीं आती। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द पीपल जो नीचे रहते हैं। हाँ, ढाई किलोमीटर किया है हमने, आधा रास्ता कवर कर लिया। अच्छा, तकरीबन अभी 1 किलोमीटर और भी बाकी है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से 30-35 मिनट में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ तो भाई, अभी कितना रास्ता बचा हुआ है और ट्रैक कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, 10-15 मिनट तक रास्ता, 5 मिनट। कौन सा 10-15 मिनट है यार, 15 मिनट नीचे से गजब बेइज्जती है दादा, 5 मिनट रहता है। अच्छा, तो हाइकिंग कैसी रही आपकी? बड़ी जबरदस्त रही, बड़ी जबरदस्त। चले सही है, ये हो गया कि बस पसीना निकल गया, जो जिम नहीं गए 2 दिन। हाँ, उसका वो हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया आपका जिम। चले सही, आगे देखते हैं इंशाल्लाह, अभी मशहूर टॉप हम पहुँच जाएंगे जल्दी, तो फिर वहाँ पे मिलते हैं इंशाल्लाह। क्यों, क्या हो गया? बहुत सिंगल हो लग रहे हो। करीब में बताता हूँ, सारे कपल्स घूम रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है, अब निकल फ्रेंड किया जा रही है भाई। शदीद सिंगल है, छोटा वर्ड है, अगर कोई है तो इससे राबता कर ले। फिर आगे मुझे नहीं आता, पता नहीं है उसके बाद क्या होता है, मुझे नहीं आता। हाँ बस छोड़, ये कैसा 5 मिनट का रास्ता है, अभी तक नहीं पहुंचे यार। ये तो अभी भी यार पता नहीं, लोग बता रहे हैं यहाँ पे 5 मिनट का रास्ता बचा हुआ है। अच्छा, 15 मिनट से हम सफर ही कर रहे हैं, 5 मिनट अभी तक नहीं पहुंचे। ये थोड़ी सी जगह बाकी है, अभी देखते हैं। ये शॉप मेरे ख्याल से यहाँ से दिख जाएगा, दिख जाएगा ना इंशाल्लाह, यहाँ से बस टॉप का व्यू नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो चलो देखते देखते आगे। अच्छा, तो फाइनली अब हम पहुंच गए मशकपुरी, तो अभी पहुंच नहीं है भाई मेरे ख्याल से, 4-5 मिनट का रास्ता और भी है, 4-5 मिनट का और भी है हमारे लिए, 4-5 मिनट दिखाए इधर इनको। अच्छा इधर है, हाँ ये बिल्कुल टॉप नजर आ रहा है, पाकिस्तान का जो फ्लैग नजर आ रहा है, पीटीआई का झंडा भी लगा हुआ है यार, पीटीआई का झंडा भी लगा यहाँ पे। इमरान खान के फैंस हर जगह मौजूद होते हैं, फैंस तो मौजूद है लेकिन आपको आजकल का पता है ना, कौन है कौन है, मेरे ख्याल से अभी हमारे इधर पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। अच्छा, मौसम जबरदस्त मौसम है इधर। और तू एक बात बता, तू पीछे क्यों रह गया? ये क्या बोल यार, ये पीछे रह गया था, पीछे था, आप लोग में आई भी नहीं, आपका वेट हम नहीं किया था। कितना वेट किया था इसका? आधा घंटा, कम से कम। हजार में एक सही किया, हजार में एक सही किया। अब दिल खुश हो गया, हाँ दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अच्छा, तो फाइनली ये मशहूरी टॉप आ गई, ये है मशहूरी टॉप, बहुत अच्छी जगह है यार। कितना कर लिया हमने सफर? तकरीबन 2 घंटे बड़े आराम से आए, वैसे इतना रास्ता नहीं था, बिल्कुल था रास्ता थकावट वाला है, लेकिन हम आराम आराम से आए, बिल्कुल। और रास्ते में लोग डीमोटिवेट बड़ा करते हैं, लोग कहते हैं कि वो आधा घंटे का सफर है और 5 मिनट का सफर है बस, होता इतना नहीं है, बाकी जगह बहुत जबरदस्त है।
सुकून है यहाँ पर, बंदा कहता अच्छा। है कि यार मैं रहूँ यहाँ पर महीना, अच्छा तब मजा आएगा। लोगों क्या कहना चाहिए इधर आना चाहिए या नहीं? लाजमी एक दफा तो जिंदगी में आना चाहिए, हम खुद पहली दफा आए, पहली दफा है ना, और बड़ा हमने एंजॉय किया। ये ले भाई मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच का सो मच। स्मेल करो ना, है या नहीं है? इसमें गिरने वाला है, स्मेल देखो, इस भूखे को देखो, भूखे को, ओहो सारा खा लिया, गजब बेइज्जती है। क्या है इसमें, किसी ने पेशाब किया है? मोरी बजे अखबरी का उगर दे रहा अखबरी मारे जम पे जा मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अच्छा जानी, तो अब सीन ये है कि हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की है और ये हम यहाँ पर पहुँच गए हैं मशहूरी टॉप पे, सही है? तो यहाँ से ना दो रास्ते आते हैं इधर, दो ट्रैक से, एक लालाजार से होके आना पड़ता है और एक सीधा आना पड़ता है। जो हम सीधा आते हैं ना, ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर और ये इसका डब्बा लाल हजार, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। कुछ लोग यहाँ से आते हैं क्योंकि ये जगह देखने वाली है फिर भी, बिल्कुल। और हम यहाँ से डायरेक्ट इसलिए आए कि हमें मसला था चलने में, और ये जगह जो है ये 9450 फीट के हाइट पे है, इतनी ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई है इसकी। और दूसरी बात ये कि ये हमें ऑथेंटिक चीज मिल गई, रास्ते में लोग बताते हैं लेकिन उनका कोई हम तो होता नहीं है, तो ये ऑथेंटिक चीज मिल गई और ये आप लोगों के इन्फॉर्मेटिव भी है, बिल्कुल। तो बस इंजॉय कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोई आधे घंटे में वापस जा रहे हैं, तो रास्ते में भी कुछ क्लिप्स बनाएंगे और आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छा भाई, तो ये मशहूरी टॉप वाला जो शौक था वो भी हमारा पूरा हो गया और अब हमें वापस जाने का हम सोच रहे हैं यार कि एक घंटा जाना भी है नीचे। मैं तो कह रहा हूँ कि इधर ही स्टे करते हैं यार, शाम इधर ही गुजारते हैं, बहुत मजा आया यार, एक शाम से काम नहीं चलेगा। अच्छा दो तीन गुजारेंगे, सामान नहीं लाया आपने साथ? हाँ, कैंपिंग की चीजें भी नहीं साथ है, बिल्कुल। तो अब वापस मजबूरन जाना पड़ रहा है, लेकिन खैर जाते हैं अयूबिया की तरफ जाते हैं, बिल्कुल अयूबिया दिखाएंगे लोगों को, थोड़ा सा देख लेंगे, बिल्कुल। और फिर अपने क्या कहते हैं आरामगाह की तरफ वापस निकलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, चलो देखते आगे क्या होता है। तो भाई को अभी भी जिम का शौक पड़ा है यार, बस कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है बॉस यहाँ पर। वन डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयु। अब बस बस हो गया, बस हो गया, हवा निकल गई और आग में भी कुछ चला गया। अच्छा हाँ भाई, तो बस पहुँच गए वापस। हाँ हाँ, टॉप देख लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत मजा आया, जाके रेस्ट करना है। अच्छा रेस्ट करना है अच्छा तो अभी जाना है नहीं है अयूबिया? हाँ अयूबिया भी जाना है, अयूबिया भी जाना है ना, रेस्ट भी करना है, बिल्कुल सही है। बाकी बंदे हमारे वो आ रहे हैं, बस वो भी पहुँच जाएंगे
चलो फिर जाते आगे, चलते आगे देखते। तो ये लोग अभी पहुंच गए। अच्छा तो जनाब अब हम पहुंच गए नथिया गली। ये मशहूरी टॉप वहाँ से इतना दूर नहीं है, मेरे ख्याल से कोई 10-15 मिनट 15 मिनट में पहुंच गए। अच्छा 7-8 मिनट। हाँ तो अब इधर कोई हम थोड़ा सा घूम फिरते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं अपने होटल की तरफ, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करेंगे। तो बाकी आपको दिखाते हैं फिर यहाँ पर। खत्म, बाय बाय टाटा। भाई तो नत्यागरी का शौक भी पूरा हो गया और अब हमने यहाँ पर तकरीबन 10-15 मिनट गुजार लिए क्योंकि कोई खास जगह नहीं थी इतनी। अच्छा। और आए भी काफी दफा है तो मजा नहीं आ रहा। हाँ, मजा तो आ गया लेकिन उतना खास नहीं था। बिल्कुल वो जो था टॉप पे लालाजार था, लालाजार भी देखा था, पाइपलाइन भी देखा था, इसलिए हमने बस सोचा कि यार जल्दी से होटल की तरफ जाते वापस। और बाकी शाम होने वाली है ना इसलिए मॉल रोड जा रहे अभी। अच्छा और बस ड्राइविंग कर रहा हूँ आप लोगों के साथ बैठे हुए। अच्छा अभी तक हारिस ने ड्राइविंग की। अच्छा वो तक गया ना बस। बस वो तक गया ना, सारा दिन ड्राइविंग कर, तीन दिन से वो ड्राइविंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे भी पूछे ना कैसा रहा इनका। मैं तो बहुत तक हम मैंने ड्राइविंग बहुत ज्यादा की है। अच्छा एक मिनट गरम वो जी जनाब। तो अब हम नथिया गली से वापस पहुंच गए माल रोड और तकरीबन 1.5 घंटा हमें माल रोड पहुंचते हुए लगा और 1.5 घंटा हमें इधर माल रोड पे लगा। मतलब रश इतना है कि आप लोग अगर आना हुआ तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम आया करें क्योंकि रात को अभी 9 बज रहे हैं और बस गाड़ी मूव भी नहीं हो रही बिल्कुल। और बस अभी हम वेट कर रहे हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होता है, आप लोगों को बताते भी हैं। भाइयों अभी हम पहुंच गए मरी जी पी और अभी अपने होटल में जा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके फिर निकलेंगे इंशाल्लाह ताला और फिर देखते हैं क्या होता है।